जा रहे हैं और आज तक मैं कोर्ट में फाइट कर रहा हूं। अब तक तो जो ये प्रियंका के दफ्तर की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, महासचिव का पदभार संभालने के बाद एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ ये प्रियंका गांधी छिप रही हैं, वो खुलकर सामने आई और जब उनसे सवाल किया गया कि यूपी की नई जिम्मेदारी मिली है तो प्रियंका ने कहा कि मैं यूपी की जनता का और राहुल का शुक्रिया करती हूँ, लेकिन जैसे ही पूछा गया रॉबर्ट वाड्रा की पेशी हुई है क्या पॉलिटिकल वेंडेटा है तो मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या राजनीति है, क्या हो रहा है ये सब आप जानते हैं। तो यानी जो कांग्रेस पार्टी कहती रही है उसी ओर इशारा किया और कैमरे के सामने भी आई, कांग्रेस मुख्यालय आई और वही वक्त चुना जिस वक्त रॉबर्ट से पूछताछ हो रही है उसी वक्त प्रियंका गांधी यहाँ चार्ज लेने आई हैं कांग्रेस महासचिव का। निश्चित तौर पर प्रियंका ने एक संदेश देने की कोशिश की है, सियासी संदेश कि वो बैकफुट पर नहीं आने वाली, अगर बीजेपी हमलावर होती है तो वो पलटवार करेंगी। कांग्रेस मुख्यालय से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ कुमार विक्रांत सिंह आज तक। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर की, जब ईडी ऑफिस से सीधे कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी प्रियंका गांधी और उसके बाद ये वो तस्वीर है प्रियंका गांधी की, कांग्रेस दफ्तर पहुंची है प्रियंका गांधी सीधे और उसके अपने पति को छोड़ने के बाद। और ये अंदर का फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, यह प्रियंका गांधी के कमरे का फोटो है। एक बार फिर से महासचिव बनने के बाद पहुंच रही है, आप यहाँ पर साइड साइड देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा कार रेडी। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको गहमा गहमी की दिखा रहे हैं जो कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, लेकिन दो चीजें यहां पर हो रही हैं। दोनों तस्वीरें देखिए, ये पति पत्नी की तस्वीर है और ये काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक लिहाज से भी। कांग्रेस की नई महासचिव बनी प्रियंका गांधी जहां अपना पदभार संभाल रही है, लेकिन पदभार संभालने से पहले वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को छोड़कर आई है, जो अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ईडी के ऑफिसर्स के साथ इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा हैं जहां पूछताछ चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, बेनामी संपत्ति के मामले में। प्रवर्तन निदेशालय इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने के बाद महासचिव का पदभार उन्होंने संभाल लिया है। कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली में जो कमरा उन्हें अलॉट किया गया था, जहां पर उनकी बाहर नेम प्लेट लगाई गई थी, प्रियंका गांधी वहां गई हैं और लोगों से मिलना जुलना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के बाहर से जब वो निकली तो वहां तो पत्रकारों से सामना नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में वो पत्रकारों के बिल्कुल बीच थी। पत्रकारों ने घेरा, उन्हें रोका, उनसे पूछने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछा, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में काफी सवाल पूछे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सवाल को टाल गई। लेकिन हल्का सा उन्होंने ये कहा जरूर कि दुनिया जानती है क्या हो रहा है, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने मुझे जो जिम्मेदारी ही दी है, महासचिव बनाया है, उसमें उससे मैं खुश हूं और अपना पदभार आज उन्होंने संभाल लिया है। तो ये दो तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी हैं और प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट वाड्रा से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें 2019 में भी काफी असर डालेंगी 2019 के चुनाव में, क्योंकि अब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी साफ तौर पर इस मुद्दे को बनाना चाहेगी, हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक और दिल्ली में मालचा मार्ग